हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आ गई हूँ मैं आपके लिए एक यमी रेसिपी लेकर, जो है आंध्रा स्पेशल, या मैं यूँ कहूँ कि मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल। और वो उन्होंने कई बार मुझे बनाकर खिलाया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी आप सिखाइए, तो वो भी इतनी यमी रेसिपी बनाकर घर में ट्राई करें और उसका मज़ा लें। तो चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं कि वो क्या प्रिपरेशन कर रही है। हेलो एवरीवन, लहरा बनाने के लिए पहले हम इसमें तेल डालेंगे। तो मम्मी, हमने सबसे पहले इसमें तेल लिया है ना? हाँ, इसमें पहले मूंगफली फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मूंगफली को फ्राई कर रही है मम्मी, और फ्राई करके मम्मी इसको आप अलग निकाल लोगे? हाँ, अलग निकाल लोगे। ठीक है, और इसमें आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ, आपको जो जितना खाने का मन है वो, आपने जितना चावल लिया उसके हिसाब से सभी डालना पड़ता है, डाल सकते हैं। हाँ, जब ये हो जाएगी, मूंगफली रोस्ट हो जाएगी, तो इसको बाहर निकाल के हमें एक प्लेट में रखना पड़ेगा। इसको ठंडा होने तक वेट करना है मम्मी, या डायरेक्ट डाल सकते हैं? थोड़ा ठंडा करने से अच्छा है। ओके, ठंडा होने तक हमें वेट करना पड़ेगा। चना दाल, चना दाल का प्रोपोर्शन क्या रखना है मम्मी? वो भी चावल के हिसाब से। हाँ, अब हम लोग कितना चावल ले रहे हैं उसके हिसाब से दे लेने से ठीक है। मतलब अगर हमने, समझ लीजिए, एक कप राइस का बनाना है, तो उसमें हम 2 टेबलस्पून भर के चना दाल डाल दें। हाँ, ठीक है। इसको भी आप रोस्ट करेंगे? हाँ। सो फ्रेंड्स, ये दाल पक चुकी है, आप देख रहे हैं कि ये थोड़े हल्के ब्राउन कलर में आ गई है। तो अब इसको मम्मी बाहर निकाल रहे हैं तेल से। अभी हम लोग फ्राई करेंगे उड़द दाल। ये भी चावल के हिसाब से 2 या 3 टीस्पून लेना है। ठीक है, जितना राइस है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अगर हमने एक कप राइस लिया है तो हमें 2 टेबलस्पून उड़द दाल लेनी है। हाँ, इसको भी हमें ब्राउन होने तक तेल में फ्राई करना है। सो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि उड़द दाल भी हमारी अब लाल हो चुकी है। अब मम्मी इसको भी ऑयल से बाहर निकाल रहे हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भी हैं छोटे जो खाने वाले हैं पुलिहारा, सो उसके उनके लिए हम लोग काजू भी ऐड कर रहे हैं इसमें। काजू भी चावल के हिसाब से डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़े से काजू लिए हैं, क्योंकि ये फिर अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत हैवी हो जाएगा पुलिहारा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि काजू भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, हल्के रेड कलर के हो गए हैं। अब इनको भी बाहर निकाला जाएगा ऑयल से। अभी इसमें क्या डाल रहे हैं मम्मी आप? लाल मिर्ची, लाल खड़ा मिर्च। हाँ, और हरा मिर्ची जो काटा हुआ है, लंबा लंबा हरा मिर्ची हमने काट के लिया है। हाँ, और सरसों। ओके, काली राई या सरसों? हाँ, दोनों चीज़ों से जानी जाती है ये। ये डालना है तड़के में। हल्दी पाउडर, इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और कड़ी पत्ता। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। इसके लिए, पुलिहारा के लिए थोड़ा सा इमली भी भिगोना पड़ेगा। चावल के हिसाब से। ओके, इसमें से वो इमली को जूस बना के वो इमली को भी इसमें डालना है, गाढ़ा करके।
ठीक है, गाढ़ा हमें रस निकालना है इमली का। हाँ। भिगा के तो उसको क्रश करना है, कचरा निकाल के जो गाढ़ा इमली है इसमें डालना है, ये मिर्ची वाले में। ओके, अभी हमने डाल दिया इमली। मम्मी, इसमें हम लोग तिल भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, तिल भी थोड़ा फ्राई करके पाउडर बना के तिल भी डाल सकते हैं। हाँ। अदरक को भी छोटा छोटा टुकड़ा काट के जिसको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, हींग भी डाल सकते हैं, मतलब अपने स्वाद के अनुसार हम इसमें। हाँ। चीजें इसमें थोड़ा हींग भी डाल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इसमें हींग डाल रहे हैं क्योंकि हमारे घर में हींग बहुत ज्यादा खाई जाती है, पसंद की जाती है। तो हमने डाला है, हींग भी डाला है, और कोई सरसों का पेस्ट बना के। हाँ। उसमें तेल डाला के, तेल लगा के और ये चावल ठंडा होने के बाद उसमें मिलाते हैं अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, ताकि कड़वापन ना आए। हाँ, अगर सरसों का पेस्ट मिलाना है तो चावल पक्का ठंडा होता है, ठंडा होना है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा, कड़वापन आ जाएगा। और वैसे भी अगर हम ये सारी तली हुई चीजें चावल में मिला रहे हैं तो चावल को ठंडा कर लिया जाता है। हाँ। गरम चावल में नहीं मिलाते हैं ना। सो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं हमने चावल पहले ही बना के रखा हुआ है, और इसको हमने एक डोंगे में निकाल दिया था ताकि ये ठंडा होके एक एक दाना अलग अलग हो जाए। इसको हमें मिलाने में भी आसानी होगी और बाद में ये बहुत अच्छा भी लगेगा। मम्मी, हमने जो ये इमली का पानी इसमें डाला है, इसको गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। हाँ, गाढ़ा होने तक पकाना है। गाढ़ा होने के बाद ये सब चावल में मिलाना है सारा मिलाना। चावल हम इस पतीले में नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, ये जो पतीले में तड़का है वो हम इस चावल में मिक्स करेंगे। गाढ़ा होने के टाइम इसमें नमक भी ऐड करना है चावल के हिसाब से, गाढ़ा होने से पहले नमक भी मिलाना है। और इसमें नमक फ्रेंड्स आप जैसा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा कम, वो आप अपने अकॉर्डिंग स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो ये मम्मी ने तड़का तैयार किया था, अब इस तड़के को पूरा राइस में मिलाया जाएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए राइस को चम्मच से ऊपर नीचे किया जाएगा। हम इसको केक बनाने के टाइम जो कट एंड फोल्ड का मेथड बोलते हैं वो भी हम कर सकते हैं, इससे ये तड़का पूरा अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें तड़का डाला जाएगा, जो इमली के पानी के साथ जो बनाया गया तड़का था वो डाला जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हैं कि ये कितना यमी अभी से लग रहा है, तो आप खाएंगे तो ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा, इसलिए पक्का ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट पे बताइएगा कि खाने के बाद आपको कैसा लगा।